आज मैं आपको धातु रूपों का परिचय कराने जा रही हूँ। धातु रूप यानी क्रिया के रूप। क्रिया के रूप में मैं आपको केवल आज वर्तमान काल और भविष्य काल यानी लट लकार और लृट लकार के रूपों का परिचय देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको गम धातु के लट लकार रूप बताने जा रही हूँ। गम माने जाना, गम माने जाना, गम से बनता है गच्छ। मूल धातु गम होती है, लेकिन जब हम लट लकार में इसका प्रयोग करेंगे तो गम गच्छ में बदल जाता है। तो इसके रूप देखिए, लट लकार में गम धातु लट लकार यानी वर्तमान काल। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। बालक जाता है तो बालकः गच्छति। दो बालक जाते हैं तो बालकौ गच्छतः। अनेक बालक जाते हैं तो बालकाः गच्छन्ति। इस प्रकार इसका प्रयोग होगा। आगे मध्यम पुरुष यानी त्वम, युवाम, यूयम के साथ प्रयोग होता है। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। इस प्रकार हम त्वम, युवाम, यूयम के साथ में गच्छसि, गच्छतः, गच्छत का प्रयोग करेंगे। अब उत्तम पुरुष यानी अहम के साथ प्रयोग। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। यानी अहम, आवाम, वयम के साथ में गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः का प्रयोग होता है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावः, हम दो जाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। इस प्रकार उत्तम पुरुष का प्रयोग अहम, आवाम, वयम के साथ में ही इन धातु रूपों का प्रयोग होता है। और त्वम, युवाम, यूयम के साथ में मध्यम पुरुष धातु रूप गच्छसि, गच्छता का प्रयोग होता है। और बाकी जो है प्रथमा विभक्ति के साथ में ये प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, कोई भी शब्द रूप हो, चाहे अकारांत, इकारांत, जो भी है। आपको अभी तो केवल अकारांत पढ़ाया गया छात्रों, तो अकारांत, आकारांत शब्दों में प्रथमा विभक्ति केवल पहली लाइन। बालकः, बालकौ, बालकाः, साहतौ, ते, उसके साथ में हम इस प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, दीतः, अन्ति। अब छात्रों, इसके आगे मैं आपको इसी के मैं भविष्य काल के रूप बताती हूँ। गम के लृट लकार यानी गागेगी, जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा। तो गम के मैं बताने जा रही हूँ, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। छात्रों, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रत्यय हमने लट लकार में प्रयोग किए थे, ती, ता, अंति, ऐसे ही बिल्कुल इसमें अंत में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इष्यति हो जाता है। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। उत्तम पुरुष गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। छात्रों, लट लकार में गम का गच्छ बन गया था, लेकिन लृट लकार में गम का गमी रहा है, लेकिन उसमें इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः प्रत्यय जोड़ा गया है। अब छात्रों, मैं आपको पठ धातु लट लकार के रूप बताने जा रही हूँ। पठ धातु प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठतः, पठत। और उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। फिर से आप एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठतः, पठत। और उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। अब मैं आपको इसी का पठ धातु का लृट लकार रूप बताने जा रही हूँ छात्रों। तो लृट लकार में इष्यति जो जाता है, क्या जो जाता है, मूल धातु पठ है, उसमें छोटी की मात्रा इष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति।
फिर से देखिए प्रथम पुरुष पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, मध्यम पुरुष पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, है ना, त्वं पठिष्यसि युवां पठिष्यतः यूयं पठिष्यत, त्वं युवां यूयं के साथ में मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और अहम आवाम वयम के साथ में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। फिर से मेरे साथ एक बार और पढ़ेंगे, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, मध्यम पुरुष त्वमिव यूयं पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, उत्तम पुरुष यानी अहम आवाम वयम के साथ पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो छात्रों ये पठ और गम के धातु रूप लट और लट लकार के हैं। अब मैं आपको भू धातु के रूप बताने जा रही हूँ। छात्रों भू धातु, भू माने होता होना, भू धातु भू से भाव बन जाता है जब हम इसका धातु रूप में प्रयोग करते हैं लट लकार यानी वर्तमान काल, भवति भवतः भवन्ति, प्रथम पुरुष में इसका रूप बनता है भवति भवतः भवन्ति, मध्यम पुरुष में इसका रूप बनता है भवसि भवतः भवत। फिर से देखिए मध्यम पुरुष में भवसि भवतः भवत, उत्तम पुरुष में इसका रूप बनता है भवामि भवावः भवामः। जैसा कि आपको बताया है कि प्रथम पुरुष का प्रयोग प्रथमा विभक्ति के साथ ही प्रयोग होता है और मध्यम पुरुष का प्रयोग त्वं युवां यूयं के साथ होता है और उत्तम पुरुष का प्रयोग अहम आवाम वयम के साथ प्रयोग होता है। अब मैं आपको ये लट लकार यानी वर्तमान काल के रूप थे, अब मैं आपको भू धातु के ऋट लकार यानी भविष्य काल के रूप पर पढ़ाने जा रही हूँ। तो भू धातु भविष्य काल में प्रथम पुरुष में भविष्यति इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, ये इसमें प्रत्यय जुड़ता है, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, मध्यम पुरुष भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, मध्यम पुरुष भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत और उत्तम पुरुष भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। तो इस प्रकार ये आपको धातु रूप कंठस्थ करना है, परीक्षा में आएंगे, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। परीक्षा में हम पुरुष भी पूछ सकते हैं, वचन भी, जैसे कहा जाए कि भवति का बहुवचन क्या है भवन्ति, भवामि का द्विवचन क्या है भवावा, या भवामि का पुरुष क्या है उत्तम पुरुष, इस प्रकार भी हम परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। आप इन्हें अवश्य कंठस्थ करें। धन्यवाद।